हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम मेदू वड़ा बनाएंगे। मेदू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप उड़द दाल लेंगे, जिसे हमने पहले ही 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। देखिए, ये कुछ इस तरीके से फूल जाएंगे। अब इन्हें पीस लेंगे। इसके लिए एक मिक्सी जार लेंगे और सारी दाल को उसमें डाल देंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, बस पीसते टाइम पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे। अब इन्हें पीस लेते हैं। अब इसे एक बार खोलकर देख लेंगे। इसे थोड़ा चला लेंगे। कितना गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हम इसमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसे ज्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अब इसे दोबारा से पीस लेंगे। देख लेते हैं, अभी भी ये काफी गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें दोबारा से 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। ध्यान में पानी डालकर हम इसे मिला लेंगे। फिर से इसे दोबारा से पीसेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। इसे चलाकर देखेंगे, अगर ये टाइट होगा तो इसमें दोबारा से पानी डालेंगे। देखिए, ये अच्छे से पिस चुका है। हमने इसे ज्यादा पतला नहीं बनाया, थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाया है। हम इसे पीसते टाइम बार बार देखते रहेंगे और 1 से 2 चम्मच पानी डालते रहेंगे। और ध्यान में पानी डालने के बाद इसे मिलाना जरूरी है और फिर इसे पीस लेंगे। हम इसमें पानी तब तक डालेंगे जब तक ये इतना गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए। अब इसे एक परात पर निकाल लेंगे। हम इसे हाथों से अच्छे से चलाते रहेंगे। देखिए, इसमें झाग बनने लगा है और ये काफी सॉफ्ट भी हो गया है। अब एक ग्लास पानी लेंगे और थोड़े से पेस्ट को पानी में डालकर देखेंगे। देखिए, पेस्ट ऊपर आ गया है। अगर पेस्ट नीचे बैठ जाता तो हम इसे दोबारा से चलाते। अब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक, 1/2 चम्मच काली मिर्च, ये ऑप्शनल है, स्वाद अनुसार नमक और कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिला लेंगे।
अगर दाल पीसते टाइम पानी ज्यादा हो जाए और पेस्ट काफी पतला हो जाए तो आप इसमें चावल का आटा या चावल को पीस कर इसमें डाल सकते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम वड़े बना लेते हैं। इसके लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे और एक पतला कपड़ा या फिर रुमाल को बर्तन पर कवर कर लेंगे और इस तरीके से नीचे से टाइटली पकड़ लेंगे। अब एक पानी का बाउल लेंगे और रुमाल को पानी से अच्छे से भिगा देंगे। ध्यान रहे पानी ज्यादा लेंगे। अब थोड़ा सा पेस्ट कपड़े पर रख कर उसे वड़े की शेप देंगे। दोबारा से हाथों में पानी लेंगे और वड़े को निकाल कर कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी वड़े भी बना लेंगे। फ्राई हो चुका है। हम इसे ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसे हल्का फ्राई होने पर ही निकाल लेंगे। हम इसे दो बार फ्राई करेंगे क्योंकि दो बार फ्राई करने से ही काफी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनता है। सारे वड़े एक बार फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें दोबारा से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सारे वड़े फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें प्लेट पर निकाल लेंगे। मेदू वड़े बनकर तैयार है। अगर आपको वड़े की शेप देने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसे पकौड़ों की तरह भी बना सकते हैं। ये काफी टेस्टी होते हैं, गर्मा गर्म सांभर के साथ तो ये काफी टेस्टी लगते हैं। आप इसे अपनी फैमिली में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।